कराची की मार्केट सिचुएशन के बारे में आपको अपडेट करते हुए चलें कि दिन ब दिन मार्केट प्राइस गिरती जा रही है, भले वो बहरिया के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट हैं या जितनी भी बिल्टअप प्रॉपर्टी हैं। स्पेशली पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट कोई 10-15% हमने डिक्रीज देखा जितनी भी बहरिया की बिल्टअप प्रॉपर्टी जो बहरिया की अपनी है, स्पेशली प्रीसेंट 10 के विलाज में और इसी तरह स्पोर्ट सिटी के विलाज के अंदर भी और इकबाल विला। तो मैं आपको वन बाय वन उनके बारे में बताऊंगा कि कितना डिक्रीज हमने देखा है और हमारे पास क्या इस वक्त इन्वेंट्री अवेलेबल है जो मार्केट से कम रेटियों पर अवेलेबल है। सबसे पहले आपको बताऊंगा गेट के साथ जैसे हम इंटर होते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमें इकबाल विलाज मिलते हैं 152 स्क्वायर यार्ड के, जो कि ग्राउंड प्लस वन की प्लानिंग है और 3 बेडरूम का बहुत ही खूबसूरत विलाज है, जिनके बिल्कुल सामने आपको मस्जिद, कमर्शियल पार्क, सारी एक्टिविटीज़ लाइव मिलती हैं और कायद और इकबाल विला के बीच में आपको सारी एमिनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इस वक्त इकबाल विला में हमारे पास 2 विला अवेलेबल है जिनकी आस्किंग प्राइस है 1.60 करोड़ और हो सकता है कि ये कुछ मजीद बारगेन भी इसमें हो किया जाए। इसके आगे चलें तो प्रेजेंट 10 के अंदर जो 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज थे वो भी 3 बेडरूम है, ग्राउंड प्लस वन की प्लानिंग है और अगेन प्रेजेंट 10 की सराउंडिंग में भी आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी जिसमें मस्जिद, जिसमें कमर्शियल और बाकी सारी एक्टिविटीज़ लाइव हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट इस वक्त आप जाएँ तो आपको 70-80% घर आबाद मिलेंगे, फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही है। सो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं और बहरिया को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट 10 इस वक्त लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है, क्योंकि वो जगह भी हाइट पे है, सारी एमिनिटीज़ आपको वहाँ पे वॉक इन या 2-4 मिनट के ड्राइव के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। सो प्रेजेंट 10 के विला बहुत टाइम से 1.70-1.80 की डिमांड के ऊपर ही मार्केट में घूम रहे थे, बट पिछले एक महीने के अंदर वहाँ भी हमने तकरीबन 10-12 लाख रुपये का डिक्रीज़ देखा और इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट 10 के अंदर 2 विला अवेलेबल है जो कि बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है और तकरीबन आपको 1.60 या 1.65 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर मिल जाएंगे। इसके आगे मैं आपको स्पोर्ट सिटी विला के बारे में बताऊं जो कि ऑलमोस्ट गेट से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और 350 स्क्वायर यार्ड का यानी 350 गज का ये विला है, ग्राउंड प्लस वन बना हुआ है, 4 बेडरूम की प्लानिंग है जिसमें आपको फ्रंट के ऊपर भी गार्डन मिलेगा, घर के बाहर भी गार्डन है और बैक यार्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा स्पेस है जिसको आप ग्रीन बनाएं, अपनी फैमिली के साथ बैठे, लोगों की बड़ी अट्रैक्शन है उस जगह के ऊपर क्योंकि वो 350 गज का एक ग्राउंड प्लस वन का विला है। आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आ रही है और इसके बिल्कुल साथ ही आपको प्रिंट 33 की गैलरी भी है। सो जितने लोग भी प्रिंट 35 में रहते हैं वो उसके नियर बाय जो प्रिंट 33 की गैलरी है उसी को लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी भी आ रही है और इसका जो बिल्कुल बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पे स्ट्रीट नंबर 29 ABCD आती हैं यहाँ पे भी विला अवेलेबल है। तो इस वक्त हमारे पास आपको रोड के ऊपर एक विला अवेलेबल है जो कि हम सिर्फ 1.55 करोड़ रुपये में दे रहे हैं नॉन पेड पे। ये नॉन पेड से मतलब ये है कि जब ये विला रेडी हो जाएगा इसमें पोजीशन और यूटिली पेमेंट अलग से आपको देनी पड़ेगी जो कि ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपए करीब होगी। सो अच्छी बात ये कि इस वक्त सिर्फ आपको 1.5 करोड़ की पेमेंट अदा करनी है और 350 गज का ग्राउंड प्लस वन पे विला जो 4 बेडरूम है ये आपको मिल जाएगा और इससे पहले आपने इतने कम रेट 1.5 करोड़ के अंदर 350 गज का विला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये आपको मैं दोबारा बताऊँगी, नॉन पेड है यानी इसमें पोजीशन और यूटिली पेमेंट आपको बाद में अदा करनी है जब ये घर रेडी हो जाएगा, अभी इसमें कुछ काम रहता है। बट जो रेडी विला है वो भी आपको ऑलमोस्ट आज कोई 175 के अराउंड आपको वो भी मिल जाएंगे। सो जी अगर आपने बहरी टाउन के जितने भी विलाज आपको बताएं इसकी चांस डील अवेल करनी है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए आपको विजिट करवा दें और ये वाली डील दिलवा दें। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच।